हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल का थ्योरम 10.4 प्रूव करने वाले हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं। बोल रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट अ कोर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कोर्ड। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, अब यहाँ पास एक सेंटर ओ बनाएंगे और इसमें एक ए बी कोड बनाएंगे सबसे पहले, ठीक। उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से, सेंटर से लेके इस ए बी कोड तक, ठीक, और इस पॉइंट को नाम दे देंगे एम, ठीक। तो जो हमारा ओ एम है, जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इस ए बी कोड पर, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो ओ एम है वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक। और वो जो ओ एम लाइन है, ठीक है ना, ओ एम लाइन है वो क्या कर रही है, इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। तो हमको सबसे पहले गिवन क्या मिला कि जो हमारा ए बी कोड है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये हमको गिवन में मिल गया। अब हमको प्रूव क्या करना है, जो हमारा ओ एम है वो परपेंडिकुलर है इस कोड ए बी पर, ठीक। ये हमको प्रूव करना है। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि जो हमारा ए बी है वो क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि ए एम इजकल टू बी एम, ठीक, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक। क्योंकि वो जो ओ एम लाइन है जिसको हमने ड्रॉ किया है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पास आसानी से लिखेंगे ए एम इजकल टू बी एम, ठीक ठीक अब हमको प्रूव क्या करना है कि जो हमारा ओ एम जो लाइन है वो क्या है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक। अब टू प्रूव में हम लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी कोड ए बी, ठीक। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे होगा, ठीक। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हमेशा जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, तो यहाँ पास भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला को हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे। जब 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे तो हमारा जो ओ एम होगा वो आसानी से परपेंडिकुलर लाइन प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे, टू प्रूव में ही लिखेंगे, ठीक है ना, कि जो हमारा ये वाला एंगल है, ठीक है ना, मतलब मैं लिख देता हूँ एंगल ओ एम ए, ठीक, और एंगल ये वाला एंगल, ठीक है ना, ओ एम बी, ठीक। ये जो दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। या तो ये प्रूव कर दीजिए या तो ये प्रूव कर दीजिए, लेकिन हमको असली ये प्रूव करना है। ये प्रूव कब होगा, जब ये वाला हम प्रूव कर लेंगे तब ये प्रूव होगा, ठीक। बात एक ही है दोनों का, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगा ऊपर साइड वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही लाइन होगा, ठीक। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव, तो प्रूव करने से सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्यादा नहीं, छोटा सा ये कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे कि जो हमारा ओ है और ए है इसको ज्वाइन करेंगे, यहां ओ और बी को भी, ठीक है ना, मतलब सेंटर से लेकर और एंडिंग पॉइंट ऑफ कोड, मतलब एक ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है कोड का, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, ठीक। अब ज्वाइन करने के बाद, ठीक है ना, ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पास देख रहे हैं, यहाँ पास दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, पहला ट्राइंगल ओ एम ए और दूसरा ट्राइंगल ओ एम बी, तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब ये देख रहे हैं, अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल में फंस रहा है, ठीक, और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में फंस रहा है, ठीक, फंस रहा है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे तो हम इन दोनों एंगल को आसानी से इक्वल प्रूव करेंगे।
सबसे पहले इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद हम सीपीसीटी के माध्यम से इन दोनों एंगल को, मतलब इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करेंगे सीपीसीटी के माध्यम से। तो आइए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। प्रूव, अब प्रूफ में हम सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे और उस ट्रायंगल में ही हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे देखिएगा आप, इन ट्रायंगल, सबसे पहले जो पहला ट्रायंगल है ओ एम ए, ठीक, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक। और जो दूसरा ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पास हम देख रहे हैं कि जो या सेंटर से लेके और ये सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना, ये जो सर्कल का ये जो किनारा होता है उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो कोई भी लाइन अगर सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक ज्वाइन करती है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये वाला भी लाइन और ये वाला लाइन, मतलब ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो इस ट्रायंगल का ये रेडियस हुआ और इस ट्रायंगल का ये रेडियस हुआ, तो ये दोनों रेडियस इसी सर्कल में है, मतलब इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पास हम लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल में ओ ए इजक्वल टू ओ बी, ठीक। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल है, इसलिए हम इन दोनों को लिखेंगे। अब यहाँ पास रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा AM और BM है, इस ट्रायंगल का AM और इस ट्रायंगल का BM, वो क्या है, इक्वल है, गिवन में भी हमने लिखा है, ठीक, गिवन में भी हमने लिखा है कि जो हमारा AM है और BM है वो क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक। यहाँ पास हम लिखेंगे AM इक्वल टू BM, ठीक, रीजन में डाल देंगे गिवन, ठीक। अब जो जो तीसरा साइड है, मतलब ये साइड इक्वल प्रूव कर दिया, ये साइड इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये वाला साइड इसके साथ इक्वल प्रूव किया, ये वाला साइड इसके साथ इक्वल प्रूव किया। अब ये जो तीसरा साइड बचा है OM, ये क्या है, कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे, इन दोनों ट्रायंगल में OM क्या है, कॉमन है। यहाँ पास लिखेंगे हम OM इक्वल टू OM, ठीक है ना, दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि कॉमन लाइन दोनों ट्रायंगल में इक्वल ही होती है। यहाँ पास रीजन में डाल देंगे कॉमन, ठीक। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, जो तीनों साइड होता है उन तीनों साइड को इक्वल प्रूव कर दिया हमने, मतलब इन दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो आपस में इक्वल हो गया, ठीक। तो जब आपस में इक्वल हो गया तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, ठीक, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत जो हमारा ये दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ एम ए, ठीक है ना, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा था मैं, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि कौन से रूल से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के तहत, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी के माध्यम से, ठीक। तो यहाँ पास मैं लिखूंगा बाई सी पी सी टी, ठीक, बाई सी पी सी टी, ठीक, जो हमारा ये वाला एंगल, ठीक है ना, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल एंगल ओ एम बी, ठीक। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो एंगल इक्वल कर दिया, अब 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एंगल इक्वल हो गए, ठीक। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं और आप जानते भी होंगे, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर ए बी कोण क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो एंगल बनता है ना वो 180 डिग्री का बनता है,
ये आप याद रखिएगा। आपको मालूम भी होगा एक सर्कल का जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है और स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि ये क्या जो ए बी है, ए बी ठीक है ना, यहाँ पास जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना, यहाँ पास जो एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना, यहाँ से लेके इसको मैं ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ, बस इस ए बी कोण पर, ठीक है ना, जो ये एंगल फॉर्म होगा वो कितने का होगा, 180 डिग्री का, समझिएगा बात को। तो यहाँ पास हम लिखेंगे, जैसे आप लिख भी सकते हैं कि जो ए बी है वो एंगल फॉर्म करे कितने करेगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक, अब 180 डिग्री में समझिएगा बात को, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को हम जोड़ेंगे, जब जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलेगा तभी ना इस ए बी वाला एंगल मतलब 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक, तो जब आप इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे आपस में तो इक्वल है, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, वन और वन टू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास आप लिखेंगे टू, समझिएगा बात को, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, समझिएगा, एक इसको ए वाला एंगल मान लीजिए और इसको बी वाला एंगल मान लीजिए, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, मिलके 2a बना देगा। अब 2a कैसे बनाएगा, अब ए बी भी बोल सकते हैं ना, तो जब इसके जगह पे अब मैं ए लिख सकता हूँ, आपस में इक्वल है, तो यहाँ पास 2a हो जाएगा, 2a इजकल टू 180 और a इजकल टू हो जाएगा 90 डिग्री, a इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। शायद आपको कैमरा में ना दिखे, ठीक, मैं इसको एडिटिंग में कर दूंगा। तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, मतलब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। मैं यहाँ पास लिख देता हूँ एंगल, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए यहाँ पास। ठीक, तो यहाँ पास ए, ए के जगह पर हम इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पास जब ए यानी एंगल ओ एम ए, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ये दोनों किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के। ठीक है ना, ये वाले आप लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना, शायद कैमरा में ना दिख रहा होगा तो मैं एडिटिंग में लगा दूंगा, तो इस वाले चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पास दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, जब दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो जो हमारा जो लाइन ओ एम है उसको हम आसानी से कह सकते हैं कि वो जो लाइन ओ एम है कहाँ पास गए, ये वाला जो लाइन है ओ एम वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। ठीक, यही हमको प्रूव करना था, यहाँ पास लिख दूंगा मैं हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल ए के एम टी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।